नमस्ते, आई एम प्रकर्षी फ्रॉम प्लांटमेड एंड आफ्टर टू मंथ्स ऑफ बीइंग एब्सेंट वी आर बैक विद सम न्यू एक्साइटिंग रेसिपीज जो हेल्दी भी है, सस्टेनेबल भी है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो एक मेरा पर्सनल फेवरेट है कि रात को ना खाना खाने के बाद मीठा ज़रूर से खाना है, सो आई ऑलवेज लाइक टू हैव कुकीज। और कुकीज बहुत सारे तरीके का होता है, राइट, वेदर इट्स कराची बेकरी का खस्ता कुकीज या नान खटाई और द इंडलजेंट चॉकलेट शेप कुकी फ्रॉम सबवे जो आपको एकदम फजी रहता है, और कई तरीके से लोग बनाते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। बट टिपिकली कुकीज को ब्रेक डाउन करते हैं, होता क्या है, राइट? सो देयर इज वन आटा, चाहे कोई भी आटा हो सकता है, आटा, मैदा, यू नो, यू कैन यूज आमंड फ्लावर, एनी काइंड ऑफ फ्लावर, सो सम काइंड ऑफ बेस, राइट? अब हमें हर कुकी थोड़ा खस्ता होता है, यानी कि थोड़ा सा बटरी या थोड़ा सा ऑयली होता है, जिसकी वजह से वो ब्रिटल होता है, एकदम क्रिस्पी, एकदम आराम से टूटता है। सो इस वजह से वी नीड टू ऐड सम फैट कॉम्पोनेंट, राइट? सो टिपिकली मैदा और आटा एंड देन फैट कॉम्पोनेंट एंड देन कम्स ऑफ कोर्स फ्लेवर, राइट? एंड देन देर इज द लास्ट बिट इज हाउ डू मेक द कुकी सॉफ्ट और हाउ डू मेक इट क्रिस्पी। टिपिकली आई पर्सनली फील कि एक परफेक्ट कुकी वो है जो बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है, राइट? एंड हम वही चाहते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स, राइट? व्हेन वी बाइट इनटू द कुकी, थोड़ा बिट्स ऑफ चॉकलेट एंड थोड़ा स्मूथ यू नो बिट्स ऑफ द बिस्किट इटसेल्फ, सो दैट्स हाउ वी वांट टू मेक द कुकी। सो सिंपल, पांच इंग्रेडिएंट से बनने वाला ऐसा कुकी जो कभी नहीं फेल होगा, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री, 100% डेयरी फ्री, 100% वीगन। सो लेट्स सी हाउ डू वी डू दिस। सो बेकरी एक साइंस है, राइट? एंड वी डोंट वॉन्ट टू काइंड ऑफ प्ले अराउंड विद इट। व्हेन यू आर कुकिंग इन द हॉट किचन सब अंदाज से चलता है, बेकरी में नहीं चलता है। सो वी गोइंग टू यूज पार्ट्स ऑफ इट, ऑफ अ रेसिपी, राइट? कभी भी, मतलब अगर हम आपको बताएं 100 ग्राम आप घर पे मेजर करने में कठिन होगा, राइट? हम आपको बोले 3 चम्मच, तो मेरा चम्मच इतना बड़ा, आपका चम्मच कितना बड़ा, सो इट्स हार्ड टू डिफाइन, राइट? बट पार्ट्स में कहेंगे ना, 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स या 2 पार्ट्स ऑफ मैदा, देन इट बिकम्स इजियर। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 2 पार्ट्स ऑफ मैदा एंड 1 पार्ट ऑफ शुगर। तो हम एक छोटा कप लेंगे, उसमें 2 कप मैदा लेंगे, 1 कप चीनी लेंगे और उसको एक जगह मिला देंगे। सो दैट्स 2:2, 2 पार्ट्स ऑफ मैदा, 1 पार्ट ऑफ चीनी। सो दैट्स हाउ वी वांट टू काइंड ऑफ बिल्ड रेसिपीज एंड बेस्ड ऑन दैट इट बिकम्स इजियर टू यू नो गेट इट राइट ऑल द टाइम एंड बिकम्स हार्डर टू मेक मिस्टेक्स। सो आई गॉट 2 कप्स ऑफ मैदा एंड 1 कप ऑफ आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर इज अ वेरी वेरी फाइन पाउडर्ड शुगर जिसमें कॉर्नस्टार्च होता है और एंटी केकिंग एजेंट होता है, यानी कि ये बेसिकली लंप्स नहीं बनते हैं। सो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को साथ में मिक्स करके बराबर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो बराबर से मिक्स नहीं हुआ कुकी कभी सही नहीं होगा, राइट? तो इसमें सबसे पहले आइसिंग शुगर एंड आटा एक जगह ही डाल दिया है, 2 पार्ट आटा, 1 पार्ट आइसिंग शुगर। अब इसको हमको सीव करना है। सीव करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि इसकी इंप्योरिटीज, इसके लंप्स जो भी है वो निकल जाए। वी डोंट वांट आवर कुकी टू बी लंपी, राइट? एंड वी जस्ट वॉन्टेड टू बी यूनिफॉर्मली मिक्सड। बट एक चीज और इसमें हमको डालना है, सो हम इसमें पहले ही डाल देंगे ताकि वो ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाए, बेकिंग पाउडर। फॉर एवरी 1 kg ऑफ दिस होल रेसिपी यू टिपिकली नीड अराउंड 5-6 ग्राम बेकिंग पाउडर, एंड इन दिस केस हम एक चुटकी, जस्ट 1 tiny pinch यू नो डालें, तो दैट शुड बी इनफ। कुकी को हमें केक की तरह राइज नहीं करवाना है, थोड़ा सा राइज करवाना है, राइट? सो मे बी लेट आई से फॉर 200 grams ऑफ मैदा I've added 2 grams of baking powder and maybe 100 grams of icing sugar, give or take, right? So, just all the ingredients in a sieve and then hum isko dheere dheere se pass kar lenge taki ye barabar se mix ho jaye, right? Super duper simple. Ab to aur zyada simple hai. To ab hum logo ko 3 ingredient aur isme mix karna hai, sare wet ingredients mix karne hai and fir ban gaya dough. So, सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गया है, लेकिन हर एक डिजर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका रेस्टिंग टाइम, एंड वी मस्ट बी वेरी वेरी कॉशियस। अगर आप बेक करने जा रहे हैं कुछ, तो अवन प्री हीट होना चाहिए। अगर हम ये इसका प्रेपरेशन स्टार्ट किए, तो मेरा अवन ऑन है एंड इट शुड बी ऑन एट अबाउट 180 degrees, क्योंकि अगर वो गर्म नहीं है तो मेरा कुकी सही नहीं होगा, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्या करना है, इट्स द इजियर पार्ट। हमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए, वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, राइट? वेट इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले आता है अंडा। सो सुपर सुपर सिंपल, राइट? 2 अंडे के बराबर करीब हम डालेंगे 200 ग्राम के अंदर, और उतना काफी है टू गिव अस अ गुड बाइंडिंग, अ गुड मॉइस्चर एंड अ गुड बाइट।
सो दो अंडे के बनाने के लिए आई नीड टू एड अबाउट 10 to 12 grams. सो आई एम गोइंग टू जस्ट अंदाज से, आई नो कि ईच ऑफ दीज टाइनी टी स्पून इज अराउंड 5 grams. सो आई एम गोइंग टू पुट मे बी 3, तो 15 ग्राम के करीब करीब आ गया. अब आप चाहें तो ऑयल या पानी, दोनों में से कुछ भी, या मिक्सचर ऑफ बोथ डाल के इसको ब्लेंड करें. 15 ग्राम के लिए टिपिकली हम कहते हैं 60 से 70 ग्राम पानी अंदाजन डालें तो काफी है, और हम लोग भी अंदाजन इतना डालना चाहेंगे कि एक थिक पेस्ट बने, बट इतना गाढ़ा नहीं कि फ्लो नहीं हो. फ्लो होना चाहिए बट गाढ़ा होना चाहिए, पतला पानी की तरह नहीं होना चाहिए, राइट. सो हमने कुछ मे बी 60 ग्राम पानी डाल दिया, और इसको अब हमें मिक्सी में मिक्स करना है. ये नॉर्मल अंडे की तरह नहीं है कि आप चम्मच या कांटे से बस मिक्स करें और इट विल वर्क. हम इसके अंदर के सारे इंग्रेडिएंट्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं, और उसके लिए हमें 10 सेकंड में भी मिक्सी में इसे घुमाना है, और उसके बाद ये रेडी टू गो हो जाएगा, राइट. सो अब ये मिक्सी में घुमाने से बाद अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं बाकी चीज़ों को मिक्स करने में. तो अब बीच में एक वेल बना दिया ताकि सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना आसान हो, और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ ऑयल, कोई भी एक न्यूट्रल ऑयल इसके लिए बेहतर है, ताकि इसमें कोई और ऑयल का फ्लेवर ना आए. तो सरसों तेल या सेसमी ऑयल से मत बनाइए, एनी सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल इज गुड. एंड देन ये रहा हमारा अंडा. सो यू कैन सी थोड़ा सा फ्रॉथी हो गया, एंड इट्स स्टिल नॉट वेरी थिन, राइट. सो ये मेन मॉइस्चर देगा और उसको बॉडी देगा और बाइंडिंग देगा. ये भी हमने ऑयल के साथ डाल दिया. अब हमको इसको ज्यादा गीला नहीं करना है, राइट. कुकी का डो जो होता है हमेशा थोड़ा लाइट गीला होता है, बहुत ज्यादा गिलगिला नहीं होना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू एड मे बी 1 drop or 2 drops ऑफ वेनिला एसेंस, जो उसको थोड़ा वेनिला का फ्लेवर देगा, विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग इन बेकरी. सो 2 drop इन द सेंटर. एंड अब माई फेवरेट थिंग, माई फेवरेट इन्ग्रीडियंट, सम डार्क चॉकलेट. सो दिस इज लाइक डेयरी फ्री डार्क चॉकलेट ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी, एंड जस्ट देर इज नो सच थिंग एज टू मच चॉकलेट. सो दिल खोल के चॉकलेट डालें. अब सिंपली इसको मिक्स करना है, एंड द बेस्ट वे इज, राइट, गो अराउंड द साइड, फोल्ड इट इन द सेंटर, गो अराउंड द साइड, फोल्ड इट इन द सेंटर. एंड एक बहुत सिंपल सा, नीचे से बस ऊपर की तरफ लाना है, साइड से अंदर की तरफ, एक सिंपल सा मोशन में बिना मेस किए इसको मिक्स करना है. एंड ये बेसिकली आपको दिखने लग जाएगा कि थोड़ा ये ना पेस्टी सा, होमोजीनियस सा बन रहा है, एंड दैट्स व्हाट वी वांट. हमें ना इसको आटे की तरह पूरा गूंदना नहीं है, क्योंकि मैदा में होता है ग्लूटेन. जितना ज्यादा आप इसको गूंदेंगे उतना आपकी कुकी टफ बनेगी, वो हमें चाहिए नहीं. सो हमें जस्ट इसको बेयरली देखा आपने कि ये मिक्स कर दिया, और ये पीनट बटर, सॉर्ट ऑफ थिक पीनट बटर जैसी कंसिस्टेंसी आ गई, एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. सो दिस इज कुकी डो, एंड वी जस्ट नीड टू काइंड ऑफ लेट इट रेस्ट फॉर अ व्हाइल. आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे तो इट विल स्टार्ट टू रेस्ट एंड स्टार्ट टू फॉर्म अप एंड कम टुगेदर, एंड दैट्स व्हेन वी गो टू द बेकिंग स्टेज. सो वंस यू मिक्स्ड एवरीथिंग, दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू लुक लाइक, अ एक थिक मास ऑफ चॉकलेट चिप गुडनेस. एंड ये काफी थिक है बट स्टिल गीला है, आप इसको हाथ से हैंडल नहीं कर पाएंगे, बट कोई टेंशन का बात नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए. अगर हम इसे ज्यादा गूंदेंगे तो खराब हो जाएगा. तो अब हम इस सेमी गीला स्टेट में इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर, और फ्रिज में जाने से ये पूरा फैट सारा चीज कंसोलिडेट हो जाएगा, एक यू नो आटा जैसा बन जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी वांट. और उसके बाद फिर वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ बेकिंग इट. सो ये इसका कंप्लीटली शक्ल चेंज हो गया है आफ्टर 15 मिनट्स. इट लुक्स मोर लाइक अ डो एंड लेस लाइक अ पेस्ट, राइट. सो अब इसको हम शेप करेंगे और फिर बेक करेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप, मेरा अवन हॉट है और एक ट्रे ले लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया या बटर पेपर लगा दिया, सिल्क पैड, एनीथिंग वर्क्स. बेसिकली वी डोंट वांट द कुकी टू गेट स्टक टू इट, राइट. और ये कुकी डो मेरा काफी मैनेजेबल तरीके से एक डो बन रहा है, काफी सिंपल है. ऐसे गोला बनाया, इसको यहाँ रख दिया, ऐसे गोला बनाया एंड रख दिया. रियली सिंपल, आई एम नॉट फसिंग अबाउट द शेप कि एकदम फाइन होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं. वी आर लुकिंग एट अ रस्टिक चंकी चॉकलेट चिप कुकी, और वो तो तभी मजा आता है जब वो एकदम अनइवन शेप का होता है. सो एब्सोल्युटली नो स्ट्रेस, जस्ट कीपिंग इट लाइट,
having fun while you do it. And I've just made 5 balls, 5 cookies. इनको ऐसे रखा एंड कुछ नहीं करना है. एक बार प्रेस, रफली प्रेस, रफ प्रेस, प्रेस इट. इफ इट्स टेढ़ा मेढ़ा नो प्रॉब्लम एट ऑल, जस्ट फिक्स इट इफ यू वॉन्ट, थोड़ा गोल बनाने के लिए. एंड वी आर डन. दिस गोज स्ट्रेट इन एन अवन एट 180 डिग्रीज फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स एंड यू नो देन आई विल शो यू हाउ इट. सो वंस योर कुकीज आर बेक्ड, वी वॉन्ट देम टू कूल डाउन बिफोर वी स्टार्ट टू डिटैच देम फ्रॉम द ट्रे. So, एक बार जब ठंडा हो गया, you can take it off and you can see that it's nice and crispy on the outside, really solid, but still super duper fudgy and soft on the inside with a generous, generous helping of like delicious chocolate in every bite. So now that's how I want all my cookies to be, full of chocolate and crispy on the outside, super soft on the inside. So enjoy this, tell us what you think and tell us how fit you feel and how guilt-free you feel after you eat this cookie.